गाइस आगे हैं तूज उठी में मकार, उसका चल रहा है डे वन, मारने का टाइम चल रहा है। कितनी आजकल ये एडवांस बुकिंग हुई है, कितने इसको शोज़ मिले हैं, शोज़ को कंपेयर करेंगे सेल्फी एंड शहजादा के साथ, उसको फर्स्ट डे में कितने शोज़ मिले थे एंड इसको कितने मिले हैं सिटी वाइज की। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में यह आज कितना क्वेश्चन कर सकती है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। बाकी गाइस एडवांस बुकिंग से पहले कल मैंने लास्ट पार्ट डिस्कस किया था एडवांस बुकिंग रिलेटेड, तब मैंने बताया था लगभग 1,70,00,000 समथिंग कुछ हुई थी, तब मैंने बताया था इसने सेल्फी एंड शहजादा की जो फर्स्ट डे की थी उसको इसने वीट कर दिया। तब मैंने ये बोला था कितना कर सकते हैं, 3 करोड़ 3.5 करोड़ समथिंग कुछ पकड़ के जा सकते हो। तो सबसे पहले इसकी एडवांस बुकिंग जान लेते हैं वो कितनी हुई है। तो लगभग 3 करोड़ 63 लाख, जी हाँ 3.63 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। टिकट्स की बात करूँ गाइस तो लगभग बता सकते हो कि 1,24,000 से ज़्यादा टिकट्स इसके सोल्ड आउट हुए हैं। यानी कि जो हमें उम्मीद थी तू जूठी की मकार यानी रणवीर से यानी लव रंजन से होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं टिकट्स प्राइस की बात करूं, एवरेज टिकट्स प्राइस की, तो लगभग 213 से लेकर 216 के बीच में चल रही है। अब बात करते हैं थोड़ी शोज़ की गाइस। मुंबई में 1,107 शोज़ मिले हैं, ओवरऑल इसके लगभग 11% ऑक्युपेंसी आ रही है सिर्फ एडवांस में ही। बाकी आगे बात करूँ यहाँ पे मतलब शहजादा को 679 शोज़ मिले थे फर्स्ट डे पे, भाई सेल्फी को 499 शोज़, यानी उनके मुकाबले तू जूठी मकार को अच्छे खासे शोज़ मिले हैं। एनसीआर की बात करूँ 773 शोज़, ऑक्युपेंसी की बात करूँ लगभग 18%, जी हाँ काफ़ी बेटर ऑक्युपेंसी आ रही है, लगवा सकते हैं ऑलमोस्ट 26 एंड फिलिंग फास्ट 62 शोज़, काफ़ी मैं बोलूँगा बेस्ट है। 826 शोज़ मिले थे यहाँ पे शहजादा को, यानी मतलब इससे थोड़े ज़्यादा मिले थे भाई, 685 शोज़ मिले थे दिल्ली एनसीआर में सेल्फी को। बात करूँ आगे पुणे की तो 411 शोज़, लगभग 11% ऑक्युपेंसी, मैं बोलूँगा तू जूठी मकार को अच्छे खासे शोज़ एंड ऑक्युपेंसी भी इसकी काफ़ी बेटर आ रही है। और यहाँ पे 270 शोज़ मिले थे शहजादा को और 158 शोज़ उसको मिले थे लगभग सेल्फी को। बात करूँ बैंगलोर की तो 481 शोज़, ओवरऑल 16% ऑक्युपेंसी काफ़ी बेटर है एंड ऑलमोस्ट फुल 20 एंड फिलिंग फास्ट 25। अगर यहाँ पे 203 शोज़ मिले थे शहजादा को एंड 226 शोज़ मिले थे यहाँ पे बोल सकते हो कि सेल्फी को, यानी उनके मुकाबले देखो शोज भी काफ़ी अच्छे मिले हैं। हैदराबाद की बात करो तो लगभग 357 शोज़, 22 ऑक्युपेंसी काफ़ी बेटर आ रही है, मैंने हर प्लेसेस में देखा काफ़ी बेटर ऑक्युपेंसी है। 202 शोज़ मिले थे यहाँ पे बात करूँ मैं अगर मतलब शहजादा को, एंड अगर बात करूँ मैं उसकी सेल्फी की तो 165 शोज़ मिले थे अपने फर्स्ट डे में को। बात करूँ मैं कोलकाता थी 369 शोज़ मिले हैं तू जूठी मकार को, लगभग 11% ऑक्युपेंसी आ रही है सिर्फ एडवांस में ही, और 218 शोज़ मिले थे फर्स्ट डे में यहाँ पे लगा सकते हो किसको, 200 मैंने कोलकाता हो गया और शहजादा को, और 140 शो मिले थे सेल्फी को। तो मतलब देख सकते हो कोलकाता में काफ़ी ज़्यादा शोज़ मिले इन दोनों मूवीज़ के मुकाबले तू जूठी मकार को। अहमदाबाद 520 शोज़, देखोगा यहाँ पे शोज काफी ज्यादा मिलते हैं हिंदी मूवीज को, लेकिन मतलब शोज लगा के लेकिन पब्लिक मतलब देखने नहीं जाती है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऑक्युपेंसी की बात करूँ केवल 9%, केवल नहीं 9% काफी बेटर भी है, लेकिन अनदर सिटीज के मुकाबले मतलब यहाँ पे काफी कम ऑक्युपेंसी है। और 380 शो मिले थे यहाँ पे शहजादा को फर्स्ट डे में, और 222 शोज मिले थे यहाँ पे सेल्फी को अपने फर्स्ट डे में। चेन्नई 69 शो में 31% ऑक्युपेंसी, देखो यहाँ पे मतलब शोज काफी कम मिले लेकिन ऑक्युपेंसी देखो काफी बेटर आ रही है। बात करूँ सूरत की 294 शो में 8%, जयपुर 188 शो में 11%, चंडीगढ़ की बात करूँ 90 शो में लगभग 11% ऑक्युपेंसी आ रही है, भोपाल 77 शो में 19% ऑक्युपेंसी आ रही है। देखो शो थोड़े ज्यादा मिलने चाहिए थे भोपाल में। लखनऊ 138 शो में केवल 6% ऑक्युपेंसी। देखो गाइज मैंने शोज एक एक मतलब अपनी तरफ से काउंट करने की कोशिश की है, अपनी तरफ से जो मुझे लगा कि कितने शोज़ मिले हैं जो मैंने देखा, तो मुझे लगता है इसको 7,500 समथिंग कुछ इसके टोटल शोज़ है आज फर्स्ट डे के लिए। और भाई अगर पठान की बात करूँ, पठान जब फर्स्ट डे में सिनेमा घरों में आए थे उसके लगभग 10,000-11,000 समथिंग कुछ शोज़ मिले थे, यानी उसके मुकाबले तो काफ़ी कम मिले हैं, लेकिन इन दोनों मूवीज़ के मुकाबले इसको थोड़े ज़्यादा शोज़ इंक्रीज़ यानी मिले हैं। तो कितना क्वेश्चन कर सकती है डे वन में? तो गाइस मैंने बताया आपको शोज़ हो गया, ऑक्युपेंसी हो गया, जो मुझे पर्सनली लग रहा है 3.5 करोड़ के आसपास मैंने एडवांस बुकिंग आप सभी को बताई। तो आप मतलब थोड़ा मानने में प्रेडिक्शन करना काफ़ी डिफिकल्ट भी रहता है, लेकिन आप पकड़ के जा सकते हो 11-14 करोड़ के बीच में। जी हाँ मुझे लगता है सेकेंड डिजिट से ज़्यादा क्वेश्चन करेगी अपने डे वन में, और इसका वीकेंड भी 5 दिन का रहने वाला है एंड ऑफकोर्स ये मतलब होली का भी फ़ायदा उठाएगी मूवी और अच्छा खासा धमाका करेगी। बाकी शाम में फिर से बॉक्स ऑफिस क्वेश्चन प्रेडिक्शन तब तक इसी ऑक्युपेंसी या मूवी निकल के सामने आ जाएगी, तब तक जो मतलब प्रेडिक्शन लगाएंगे वो लगा सकते हो कि 80-90% राइट रहती है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, बाकी शाम में इसके रिलेटेड फिर से वीडियो आ जाएगी।